राई विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक द्वारा शपथ ग्रहण और विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद विधानसभा कार्यालय में हुई हलके के कार्यकर्ताओं की मीटिंग। हलके की फीडबैक लेते हुए विधायक मोहन लाल बडोली ने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को विकास कार्यों की रूपरेखा बनाकर लाने के लिए कहा, ताकि उनको मिली 5 करोड़ की विकास निधि से हलके में काम करवाए जा सकें। साथ में बडोली ने अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले को लेकर भी अपील की कि अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें। क्या विजन है और कार्यकर्ताओं से आज किस तरह की आपको फीडबैक मिली है, क्योंकि चुनाव की फीडबैक भी आपके पास आई है, आपने मेरी आज भी अधिकारियों से बात हुई थी और एनजीटी कोर्ट ने अभी कुछ पाबंदी लगाई थी 5 तारीख तक जो अपना मिक्सर प्लांट है, ऑटोमिक्स प्लांट है एनसीआर के एरिया में, 5 तारीख तक उन पर बैन था, तो जिससे ये विकास के कार्य रुके हुए थे। और नेशनल हाईवे के ऊपर भी आज मेरी चर्चा हुई है अधिकारियों से, इस बारे में बात हुई है और जो पुराना ठेकेदार है उसके ऊपर भी एक्शन होने जा रहा है और 2 दिन में वो निर्णय आ जाएगा आप सबके सामने। ये जो नेशनल हाईवे का काम है 44 नंबर का, ये तेज़ गति से करवाने का प्रयास रहेगा। यहाँ जो पोर्ट बनना है बसों के लिए उस पर भी काम होगा, यहाँ जो मेट्रो आनी है उस पर भी काम होगा और यहाँ टूरिज़्म का काम बढ़े उसके लिए भी यमुना नदी के साथ कुछ योजना मैं बनाऊँगा और कई ऐसे काम हैं यहाँ नरे अपना गन्नौर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडी है उसमें भी काम चालू हो, कई काम ऐसे मैं चर्चा करके आया हूँ और इन पर काम शुरू होगा और जल्दी होगा, तेज़ गति से होगा। विधानसभा सत्र के बाद आप पहली बार कार्यकर्ताओं से मिले हैं जिन्होंने जी जान से आपके लिए काम किया है, किस तरह की फीडबैक उन्होंने दी है, आपने उनको क्या आश्वासन दिया? मैं किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया आज, ना कोई इस प्रकार की बात थी। आज तो सारी योजनाएं कार्यकर्ता बना के लेके आएंगे विकास की, और जो 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्यमंत्री जी ने दी है वो कार्यकर्ताओं की योजना के अनुसार लगेगी, उसी के लिए आज ये बैठक थी। और जो राम मंदिर आंदोलन के ऊपर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है उसके बारे में भी चर्चा की है कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा इस देश की जनता उसको बड़े अच्छे ढंग से तहे दिल से उसका धन्यवाद भी करेगी, उसका सम्मान भी करेगी और देश में किसी प्रकार का वातावरण कोई ख़राब ना हो, क्योंकि जब 2 समुदाय के बीच का कोई फैसला आता है तो उसमें किसी की भावना ना बढ़ के उन सबको हमने तरीके से समझाने का काम किया है। और अपने देश की जनता, क्योंकि ये 1527 से ये मामला है, बड़ा लंबा पेचीदा मामला था, ये राजनीतिक रूप धारण जिस प्रकार से इस मुद्दे ने किया था उसका एक सही कानून के तहत फैसला होने वाला है और वो जो भी फैसला आएगा सभी देश की जनता स्वीकार करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी उसको स्वीकार करेगी। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।